आप सबको स्वागत है। आज हम 26 मार्च की ईश्वरीय वरदान में आ पहुंचे हैं। रविवार का दिन है और आज परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा हम सीधा, ये ऊपर वाला विमान है, हम सीधा परम धाम में जा सकते हैं। दूसरे विमान तो आपके एक देश से दूसरे देश जाते हैं, लेकिन ये विमान है जिसमें कि हम आत्माएं इस परदेश मतलब कि इस पृथ्वी से हम परम धाम, अपना जो देश है, स्वदेश, सच्चा देश, वहां लौट जाते हैं। तो देखें परमात्मा कहते क्या इसके बारे में, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि। अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हमने किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है, अगर हमारा तेरे मेरे लेन देन में कुछ बुद्धि अटकी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन शुद्ध होता है। तो हमारे ये मन के नेत्र में परमात्मा याद आते हैं, वो व्यक्ति या वो सिचुएशन या वो धन संपत्ति नहीं याद आती या वो लेन देन की बातें नहीं याद आती। तो इसलिए मन क्या हो जाता है, शुद्ध। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि में वही होता है जिसका किसी के प्रति भी कोई भी गलत भाव ना हो, गलत भावना ना हो। तभी जाकर के उसकी बुद्धि में उसको परमपिता परमात्मा की दुनिया जहां से हम आए हैं, परम धाम दिखना शुरू होता है और परमात्मा की छवि दिखनी शुरू होती है। तो शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में, एक सेकंड में स्वीट होम परम धाम, लाल प्रकाश की दुनिया होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान उसी को कहा जाएगा, बल जो है शरीर वाला वाला नहीं शक्तिवान, लेकिन मन बुद्धि से सर्वशक्तिवान, जो कि एक सेकंड में जहां पर भी चाहे वहां पर अपने मन बुद्धि को टिका दे, उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। लेकिन जिसने बहुत जीवन में गलत कर्म किए हैं या अभी भी करते आ रहे हैं, उनकी बुद्धि जिन जिन के साथ में गलत कर्म किए हैं या जिन जिन तत्वों के साथ में गलत कर्म किए हैं, उनके साथ में बुद्धि जुड़ जाती है, इसलिए उनकी बुद्धि फिर परमात्मा से जुड़ नहीं पाती है। तो परमात्मा कहते हैं साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं। आप भी जानते हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर देख लीजिए, अगर आप तो वहां पे क्या यूज कर रहे हैं, जितना फास्ट हमारा मिसाइल हो, रॉकेट होता तेज, हम पहुंच सकते हैं उतना तेज हम प्रहार कर सकते हैं। तो साइंस वाले वही करते हैं, और स्पेस में भी जो रॉकेट भेजते हैं उसके लिए भी वही करते हैं कि फटाफट जाए फटाफट वापस आ जाए। इसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी, ये दो चीजें, समय, एनर्जी और धन भी लगाते हैं। लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा, आपने संकल्प किया परमात्मा, बाबा, भगवान, अल्लाह, और सीधा जहां वो रहते हैं लाल प्रकाश की दुनिया और बिंदु स्वरूप, सीधा आपकी नजर वहां गई। कौन सी नजर? इन नजरों से नहीं, इस नजर से आप देख सकते हैं। तो आप एक सेकंड में आप वहां पर ट्रैवल कर सकते हैं। तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कंडीशंस क्या हैं? संकल्प शुभ होना चाहिए, दिव्य बुद्धि मिली है, बुद्धि भी आपकी बिल्कुल दिव्य होनी चाहिए उसके लिए। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले जाओ और जब चाहे तब लौट आओ, जाओ और लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप मास्टर सर्वशक्तिवान है, आपको कोई रोक नहीं सकता। उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करके आप रोक सकते हैं, बीच में ही आप उसको फोड़ सकते हैं, लेकिन यहां पर आपके संकल्प जो है, आप आत्मा जो है, एक सेकंड में गए, एक सेकंड में वापस आए, कौन रोकेगा आपको? ये आपको आउटर बॉडी एक्सपीरियंस या आउटर बॉडी ट्रेवल सिखाया जाता है ब्रह्म कुमारी, इसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। आप भी आइए सीखिए इसको। ओम शांति। इसके साथ